भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ा ही पवित्र त्योहार है। इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेते हैं, मगर हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी राखी बांधने का रिवाज है। ऐसा करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से देश की रक्षा करने का वचन लिया जाता है। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी को कई बहनें राखी बांधती हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी को पिछली बार उनकी एक मुंह बोली बहन जिनका नाम शरबती देवी था, उन्होंने राखी बांधी थी। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने 103 वर्षीय शरबती देवी को अपने आवास पर बुलाकर उनसे राखी बंधवाई थी। उस समय पीएमओ की ओर से उनकी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट भी की गई थी। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के दिन राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक बच्चों से राखी बंधवाते हैं, लेकिन पिछले साल बीते रक्षाबंधन के अवसर पर पीएम मोदी ने शरबती देवी की इच्छा के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में राखी बंधवाई थी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन शरबती देवी का कुछ महीने पहले निधन हो गया। पीएम मोदी को राखी बांधने वाली शरबती देवी झारखंड के धनबाद में रहती थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से पहले पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हर साल हजारों बहनें राखियां भेजती थीं, लेकिन इनमें से अटल जी की 3 मुंह बोली बहनें हैं जो कि हर साल अटल जी को राखी बांधती थी। वैसे राजनीति में कई ऐसे भाई बहनों की जोड़ी है जो रक्षाबंधन पर खूब सुर्खियों में रहती है। ऐसी ही भाई बहन की एक जोड़ी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों ही राजनीति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों भाई बहनों में कमाल की बॉन्डिंग है। अब रक्षाबंधन का त्योहार है तो सवाल इस बात का है कि जब प्रियंका राहुल गांधी को राखी बांधेंगी तो राहुल अपनी बहन को आखिर क्या गिफ्ट देंगे। ऐसी ही एक और जोड़ी है लालू के लाल तेजस्वी यादव और मीसा भारती की। तेजस्वी छोटे हैं, मीसा बड़ी हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों राजनीति में हैं। रक्षाबंधन का ये त्योहार दोनों के लिए बहुत ही खास है। रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहनों की कई जोड़ी है। एक जोड़ी है राहुल महाजन और पूनम महाजन की। पूनम महाजन भी राजनीति में है। एक जोड़ी है अमर अब्दुल्ला और सारा अब्दुल्ला की। लेकिन राजनीति में कई ऐसी जोड़ियां भी हैं जो बहन भाई नहीं है मगर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है मायावती और लालजी टंडन का। 2002 में मायावती ने लालजी टंडन को चांदी की राखी बांधी थी। वहीं हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से सबसे ज्यादा दुख उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को हुआ। उन्होंने कहा था कि अब मुझे राखी कौन बांधेगा। आपको बता दें पिछले साल रक्षाबंधन पर सुषमा स्वराज ने उन्हें राखी बांधी थी। यकीनन वेंकैया नायडू को अपनी बहन की कमी खलेगी क्योंकि ये त्योहार बिना बहन के अधूरा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।